हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको मैं समझाऊंगा कि आपको L1 क्या करना होता है। करने से पहले आप जान लें L1 होता क्या है। L1 का होता वन का मतलब होता है लोएस्ट वन। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी अमाउंट 25,000 से ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमें L1 करना पड़ता है, क्योंकि जेम हमें सिर्फ 25,000 तक ही डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर 25,000 एक रुपया भी किसी 25,000 या 25,000 एक 25,000 से ज़्यादा होगा कोई भी अमाउंट, तो उसके लिए हमें L1 करना पड़ेगा। और अगर जो 25,000 से नीचे होगा उसके लिए हम डायरेक्ट परचेज कर चुके हैं, वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं L1 करना। सबसे पहले मार्केट पर चले जाएँ आप। मार्केट पर जाने के बाद आप ये देखें आपको किस प्रोडक्ट का L1 करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमें L1 करना है बेडशीट का, और हमारा प्राइस है एक बेडशीट का 380 रुपये, और क्वांटिटी है 225। तो ये अमाउंट जो हो जाता है, ये हो जाता है 85,500। तो ये जो अमाउंट है ये 25,000 से ज़्यादा है, तो हमें इसका L1 करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लिख दें बेडशीट यहाँ पे और सर्च कर दे। और हमेशा ध्यान रखें, नीचे वालों पे क्लिक नहीं करना है आपको कभी भी, क्योंकि अगर इन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो खोल देंगे सीधा कैटेगरी, और हमें और कैटेगरीज नहीं सी कर पाएंगे। तो हम इस पे क्लिक करें, यहाँ पे इस हमेशा इस पे क्लिक करना आपको, सर्च पे। इस पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ये आ गई ना कैटेगरीज, अगर हम उस पे क्लिक कर देते तो डायरेक्ट इन ये खोल के देता, हम इन और दो कैटेगरीज को नहीं देख पाते। और हमेशा आपको जैसे मैं बताता हूँ, एक चीज पे ध्यान रखना है, आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को सिर्फ जैसे Q3 या Q4 की कैटेगरी में अपलोड करें, क्योंकि अगर आप Q2 में या Q1 में करेंगे तो आपका प्रोडक्ट अपलोड नहीं होगा, वो OEM के लिए अप्रूवल में चला जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखें कि आप सिर्फ Q3 या Q4 पे ही जाएं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं इस कैटेगरी में, इसमें जाते हैं पहले बेडशीट होटल लिन में। इस पे नए टैब में इसको खोल लें। खोलने के बाद यहाँ पे आपको सारे प्राइस और बेडशीट दिख जाएंगे। जैसे ये आ गए 400 रिजल्ट्स। आप अपने काम को आसान करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप प्राइस को हाई टू लो कर दें। इसमें क्या होगा, जो ज़्यादा प्राइस का होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। अभी आ गया, जैसे ही ये देखिए इसका प्राइस है 2,550, और इसकी MRP 3,000, इसकी 3,000, इसकी 3,000। और L1 करने के लिए आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, L1 में हमें तीन प्रोडक्ट शो करने होते हैं। L1 सबसे लोएस्ट वन में हमारा प्रोडक्ट, उसके अलावा दो सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स भी हमको दिखाने होते हैं बायर को, जेम को, कि ये हमसे ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा वैल्यू है इनकी, तो हमें तीन प्रोडक्ट चाहिए। और तीनों प्रोडक्ट्स के ब्रांड अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये स्टार होम से ये एक ब्रांड ए, ये रेलिबल ड्रेप से ये ब्रांड बी, और ये ट्रीडेंट ब्रांड ए ब्रांड सी, तीनों ब्रांड एक होने चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि ये RKNR है, और ये भी RKNR है, और एक ब्रांड ये है वेलस्पून, तो नहीं होगा, क्योंकि ये जेम सिर्फ एक ब्रांड को एक ही काउंट करेगा, इन दोनों इसको और नीचे वाले को भी एक ही काउंट करेगा ब्रांड जेम। तो आप सबसे पहले क्या करें, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पे क्लिक कर दें। और हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में आपको ये येलो कलर का दिखता है, इसको हम गोल्डन पैरामीटर्स बोलते हैं। तो आपको हमेशा गोल्डन पैरामीटर्स पे ही देखना, सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप इस पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो बायर आईडी में नहीं शो होगा आपको, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे तो, पर बायर के आईडी में नहीं होंगे ये। तो आपको हमेशा सिर्फ गोल्डन पैरामीटर्स पे ही ध्यान देना है, आपको ब्लू ब्लू पैरामीटर्स को इग्नोर करना है। तो टाइप सेलेक्ट कर ले, सिंगल चाहिए या डबल, हमको आज डबल चाहिए तो हम डबल कर लेते हैं। अब सिर्फ 170 प्रोडक्ट्स रह जाएंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब चलिए और कंपोजिशन में देखते हैं, हम ले लेते हैं। वैसे तो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, अगर आपकी हो तो आप डाल सकते हैं, बायर आप अगर आपको रिक्वायरमेंट्स देता है तो आप डाल सकते हैं, बट L1 करने के लिए हम ले लेते हैं आज ये वाली कैटेगरी। अब सिर्फ 21 प्रोडक्ट रह जाएंगे, हमको चाहिए सिर्फ तीन प्रोडक्ट। तो अब हम नीचे चले जाते हैं, मास ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पे आते हैं। तो जैसे देखिए आप 110 पे क्लिक करते हैं, सिर्फ पाँच प्रोडक्ट रह जाएंगे। तो देखते हैं, ये सारे हमारे ब्रांड से प्राइस से ज़्यादा है। जैसे वो तीन ब्रांड है, जैसे ये MSAC ब्रांड ए, स्टार होम ब्रांड सी, और हग्स एंड रेफ ब्रांड सी। अब देखते हैं ये हमारे स्टेट में सेल कर भी रहे हैं या नहीं। चलो ये सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं नए टैब में। अब यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं व्यू सेलर डिटेल्स में कि दिल्ली में है या नहीं। ये ऑल इंडिया है, ये हमको काउंट होगा। अगर मान ले ये दिल्ली में नहीं होता, मुंबई में होता
या महाराष्ट्र में तमिलनाडु में होता तो ये शो नहीं होता, क्योंकि ये कैटेगरी दिल्ली में नहीं गिनी जाती, तो ये होता ही नहीं क्योंकि ये दिल्ली में सेल नहीं कर रहा, बट ये सेल कर रहा है। तो चलिए ये प्रोडक्ट हो गया हमारा, एक और दूसरे पे आते हैं। अब इसको देख लेते हैं व्यू सेलर डिटेल्स में जाके। ये देखिए दिल्ली में है 1580 है, पर ये बहुत ज्यादा हमारे प्राइस से, तो ये भी 1800 1600 600 780 1500 700 ये सारे भी हमारे प्राइस से ज्यादा हैं। देखिए हमारा प्राइस है 380 रुपीज़, तो ये भी हो जाएगा। और ये है थ्री, इसको देख लेते हैं हम। ये भी ऑल इंडिया में है, ऑल इंडिया में है, ऑल इंडिया, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, ऑल इंडिया, सारे प्राइस हमारे प्राइस से ज़्यादा हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस प्रोडक्ट से। हमें दिक्कत होगी सिर्फ इससे, क्योंकि इसका प्राइस है 352 और हमारा प्राइस है 380। तो हम चेक कर लेंगे जो ये 352 प्राइस है ये दिल्ली के लिए है लिस्टेड या नहीं। आप इसमें जाके चेक कर ले, यहाँ से चेक कर लेते हैं जो 352 प्राइस है ये कहाँ के लिए है। ये ऑल इंडिया के लिए 352, तो ये हमें दिक्कत देगा, तो हमको इसको हटाना होगा, बॉम्बे डाइंग को हमें हटाना होगा। तो आप हटाने के लिए एक काम करें और फिल्टर्स ट्राई कर ले, जैसे यहाँ पे आप 100 पे क्लिक कर दे, सिर्फ एक प्रोडक्ट रह जाएगा, हमें बॉम्बे डाइंग हटाना है, नहीं एक प्रोडक्ट और ऐड हो जाएगा इससे, इसका नहीं करें अभी। अब नीचे चले जाएं और प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, ये पिलो कवर, जैसे पिलो कवर इंक्लूडेड कुछ नहीं होगा, पांच ही रहेंगे। अब नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, थ्रेड काउंट में चले जाएं, इसमें भी कुछ नहीं होगा, लेंथ में भी कुछ नहीं होगा, विड्थ में हो सकता है, जैसे देखिए 182 सेंटीमीटर, ये देखिए। अब ये हो गया है हमारा एल्बम बन के रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं ये MSAC ब्रांड ए, स्टार होम ब्रांड बी और हक्स एंड रैप्स ब्रांड थ्री, ये हमारा एल्बम बन के रेडी हो गया है। आप इन फिल्टर्स, जो ये फिल्टर्स हैं यहाँ पे, इनका स्क्रीनशॉट लेके बायर को सेंड कर दें और इसको पेयर कर ले, इसको यहाँ से जाके पेयर कर सकते हैं आप। पेयर करना मैंने अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको चेक कर लें, यहाँ से सेल दिस आइटम से जाके आप पेयर कर लें, और जो ये सारे हैं इनको अपने बायर को भेज दें। बायर को भेजने के बाद जब वो फिल्टर डालेगा बायर आईडी में, तो ऑटोमेटिकली उसको हमारा प्राइस ही शो होगा, क्योंकि हमारा प्राइस है 380 सबसे कम। तो हमारे पास तीन ब्रांड भी हो गए, ए बी सी, और हमारा एल्बम बन के रेडी हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कुछ सीखना है या अभी कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू।